नमस्ते स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव। और आज का जो अपना चैप्टर है वो है महाराणा कुंभा। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महाराणा मुकुल का बेटा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा कुंभा 1433 में कहां का शासक बना? मेवाड़ का। कुंभा के पिता का नाम मोकल था और माँ का नाम सौभाग्यवती देवी था। पिता का नाम मोकल, माँ का नाम सौभाग्यवती देवी था। मोकल की हत्या चाचा मेरा महपा व पंवार ने कर दी थी। जैसा कि आप सबको पता है, मोकल का जो शासनकाल है वो अव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ रहा, क्योंकि मोकल अपने मामा की जो रणमल राठौड़ मेवाड़ का था उसके द्वारा काम करता था, न कि अपने विवेक से। और मेवाड़ के अंदर मोकल का इतिहास इतना खास दमदार नहीं रहा जैसा कि लाखा का रहा है, जैसा कि कुंभा का रहेगा। आज अपन बात करते हैं कुंभा की। देखिए, मेवाड़ की जो सांस्कृतिक उपलब्धि है वो सांस्कृतिक उपलब्धि महाराणा कुंभा के शासन में एक नंबर पर पहुंच चुकी थी। और महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को उस स्थान पर पहुंचा दिया जिसकी मेवाड़ को आवश्यकता थी। पूर्व में मेवाड़ की नींव भी ठीक लग गई थी, अमीर है, छेत्र सिंह है और उसके बाद में लाखा है, तो उन तीनों का बहुत अच्छा योगदान रहा मोकल को छोड़कर। तो कुंभा को जो शासन मिला वो ठीक मिला मोकल के शासन को छोड़कर। लेकिन समस्या ये आ जाती है, राजा कोई भी रहो, नया तो नया ही रहेगा। तो कुंभा 1433 में शासक बना। बताया जाता है कि जब मोकल की हत्या हुई उस समय कुंभा भी वहीं मौजूद था, अर्थात कुंभा का पिता मोकल, कुंभा के पिता की जब हत्या हुई तो कुंभा भी वहीं था। ये विरोधियों से बच बचा कर कैसे भी करकरा कर निकल गया, बग गया, कुछ भी हुआ, लेकिन ये बच गया और मोकल मारा गया। कुंभा के दिमाग में ये बात तो फिट बैठ गई कि मेरे पिता की जो हत्या की है ये इन लोगों ने की है, क्योंकि वो तो फिल्म सामने थी। तो कुंभा को ये तो पता चल गया कि इन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की है, जब भी मैं भविष्य में ताकत संपन्न बनूंगा, ताकतवर बनूंगा, तो मैं मेरे पिता की हत्या का बदला जरूर लूंगा, जैसा कि कुंभा ने लिया है। मेवाड़ की कहानी खराब है, जिस बंदे ने की उस बंदे का नाम था रणमल राठौड़, जो मेवाड़ का मारवाड़ का था। रणमल राठौड़ जो मारवाड़ का था, रणमल राठौड़ कुंभा की दादी हंसाबाई का भाई था। कुंभा की दादी कौन है? हंसाबाई, मोकल की माँ। तो कुंभा की दादी हंसाबाई का भाई था, तो अपन कह सकते हैं रणमल राठौड़ भी इसका दादा ही हो गया। रणमल राठौड़ कुंभा का क्या लगा? दादा हो गया, क्योंकि इसकी दादी का भाई था ना। सारी कहानी खराब की है मेवाड़ की रणमल राठौड़ ने। कुंभा के दिमाग में फिट है कि अपने ये अपने दुश्मन है, अपने को इन लोगों से बदला लेना है, साथ साथ मेवाड़ को भी उस सरताज पर पहुंचाना है, उस शिखर पर पहुंचाना है जिसके लायक है मेवाड़। कुंभा की इतिहास की जो अपन बातें करते हैं, इसमें अपने को कुंभा की जानकारी के लिए खूब सारे स्रोत भी उपलब्ध हैं। राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में खूब सारे ऐसे स्रोत हैं जो आपको कुंभा की इतिहास के बारे में खूब बता देंगे। जैसे एकलिंग मातम्य, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है ये उदयपुर जिले में स्थित एकलिंग जी के मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेवाड़ का, सिसोदियों का, कुंभा का, इनका अपने को जानकारी मिलती है। तो ध्यान दें, कुंभा की जानकारी के लिए एकलिंग महात्म्य एक उपयुक्त साक्ष्य है, जानकारी का स्रोत है। इसके अलावा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया जो ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा के द्वारा, खुद के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर जो बताया गया है कि जो जयदेव ने लिखा था ना गीत गोविंद, उस ग्रंथ की एक टीका है, एक टिप्पणी है, उसी टाइप का ग्रंथ है ये, कुंभा ने लिखा है। तो इसमें अपने को कुंभा की जानकारी मिलती है, मेवाड़ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तीसरा जो साक्ष्य है, सांस्कृतिक जो साक्ष्य है कुंभा का, वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक नामदेव जी का जो मंदिर है,
वहां से अपने को प्राप्त हुई है, जो अपने को मेवाड़ की कुंभा की जानकारी देते हैं। तो अपने पास कुंभा की जानकारी के लिए खूब सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें एकलिंग मातम में, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये साहब विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ है। ये जो प्रशस्ति है, कुंभा का जो शिल्पी था, कारीगर था, इंजीनियर था, जो भवन निर्माण कला में निपुण था, मंडन वगैरह उसका पुत्र ना था, ये सारे के सारे कुंभा के यहाँ रहते थे। तो कुंभा को अच्छे अच्छे दुर्ग, किले, मंदिर बनाने का इनका खूब शौक था, जिनके बारे में भी अपन बात करेंगे। 1460 के आसपास इस प्रशस्ति का निर्माण हुआ था। कौन सी प्रशस्ति का? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें भी अपने को कुंभा की इनकी जानकारी मिलती है। कुंभा जो है, इसका नाम तो महाराणा कुंभा, लेकिन राजस्थान के इतिहास में कुंभा को जितनी उपाधियां मिली हुई है, राजस्थान के इतिहास में कुंभा को जितने अलंकार मिले हुए हैं, जितनी उपाधियां मिली हुई हैं, जितने दूसरे उपनाम मिले हुए हैं, वो शायद किसी को रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको 5-7 के बारे में बताता हूं। कुंभा को महाराजा धीराज भी कहा गया है। महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज भी कहा है। महाराणा कुंभा को राय राजन भी कहा गया है। महाराणा कुंभा को राणो रासो भी कहा गया है। महाराणा कुंभा को राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, नरपति, अश्वपति, गणपति, अभिनव भरताचार्य, बोलिए इतिहास में इतने नाम, कितने नाम हो गए। इतने नाम किसी को भी नहीं मिले होंगे जितने कुंभा को मिले हुए हैं। 8-8, 10-10 नाम एक राजा को। इसका मतलब साहब, राजा जो महाराणा कुंभा था, वास्तव में ही महाराणा कुंभा था, इतिहास गवाह है। अभिनव भरताचार्य जो इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे लें इस पे। अभिनव भरताचार्य जो है, वो कुंभा को इसलिए कहा गया है क्योंकि साहब कुंभा जो था, खुद एक राजा होने के साथ साथ संगीत का प्रिय था। इसने रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा है, उसमें संगीत के जितने सिस्टम हैं, जितनी कलाएं हैं, कुंभा उनमें निपुण था। एक नंबर का नाटक शास्त्री था, बहुत अच्छा वाद्य यंत्र चालक था। कुंभा कई वाद्य यंत्र भी खुद चलाता था, बजाता था, खुद संचालित करता था। तो कुंभा को खूब सारी उपाधियां भी मिली हुई है। अब कुंभा राजा बन गया, इतनी उपाधियां आपको इसकी जानकारी के जो सांस्कृतिक जो सिस्टम थे अपने पास वो बताए आपको। आगे अपने दुर्गों की इनकी बातें करेंगे। ये सारे सिस्टम कुंभा के पास होते हुए भी कुंभा को स्टार्टिंग में 1433 के आसपास खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। साहब कुंभा के जैसे ही शासक बना, पिता की हत्या के बाद में शासक बना है कुंभा। अब कुंभा जैसे ही शासक बना तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पिता की जिसने हत्या की है उनसे बदला लेना। और बात भी सही है कि इसके पिता की हत्या की गई है तो उनसे बदला तो लिया जाए। तो कुंभा के सामने खूब सारी समस्याएं भी आई हैं। तो अपन बात करते हैं कुंभा के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई होंगी और कुंभा ने किस प्रकार से उनका निराकरण किया, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहली समस्या, कुंभा जब शासक बना तो उसके सामने पहली समस्या क्या थी? सबसे पहले ये थी चाचा व मेरा की समस्या। चाचा व मेरा की समस्या, चाचा व मेरा की समस्या। चाचा व मेरा मोकर की हत्या करके मेवाड़ के शासक बनना चाहता है। मोकर की हत्या हो गई लेकिन वो शासक तो नहीं बन सके। चाचा व मेरा को जिंदा है ही, मोकर तो खत्म हुआ है, तो वो तो इसके लिए समस्या खड़ी करेंगे कि बच्चा है, छोटा है, मोकर का बेटा है, इसको कैसे भी खत्म सतम किया जाए, कैसे भी कमजोर किया जाए और मेवाड़ की बागडोर अपने हाथों में ले ली जाए। इससे चाचा व मेरा जो है वो प्रभावी हो गए और उनका सपोर्ट, चाचा व मेरा का जो सपोर्ट कर रहे थे, जो सहयोग कर रहे थे, उन बंदों का नाम था महपा व पंवार। चाचा व मेरा का जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो सहयोग कर रहे थे, वो लोग थे महपा पंवार। तो दो समस्या तो थी चाचा व मेरा की और इनका सहयोग करने वाले हैं महपा और पंवार, तो चार जने हो गए। कुंभा को इन चारों से निजात पाना था, ये इसके लिए एक समस्या थी। इसलिए कुंभा ने
इन चारों से सजग रहकर अपनी अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और इन लोगों से साहब धीरे धीरे दूरी बनाई, इनको कमजोर किया, मौका पाकर एक एक का काम भी तमाम कर दिया। इसके अलावा इसने चाचा व मेरा का दमन किस हिसाब से किया? ये जो चाचा व मेरा जो थे, ये कुंभा के पड़दादा लाखा लाखा का पिता छेत्र सिंह पड़दादा की अवैध संतान थे। अब देखिए, अवैध संतान को तो राज कौन देगा? तो इसने क्या किया, ये कुंभा स्वयं मेवाड़ का राजा बनी गया और रावचूड़ा इसका भाई था उनके साथ। रावचूड़ा भाई नहीं, रावचूड़ा इसका चाचा है क्योंकि मोकड़ का भाई था रावचूड़ा। तो रावचूड़ा तो सहयोग कर ही रहा है ना, तो कुंभा ने रावचूड़ा के सहयोग करा के और इन चाचा व मेरा जो अवैध संतानी थी इनका खात्मा कर दिया, अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इसके अलावा सबसे बड़ी दूसरी जो समस्या थी कुंभा के सामने, वो थी राजपूती सामंतों की समस्या। क्योंकि मोकड़ के समय जो सामंत थे उनमें ज्यादा जो प्रभावी लोग थे वो थे रणमल राठौड़ के। इधर रणमल राठौड़ का पता है कुंभा को कि रणमल राठौड़ के कारण ही मेवाड़ की सारी गणित बिगड़ी है, तो रणमल राठौड़ को कमजोर किया जाए। तो रणमल राठौड़ के गुट के जितने भी सामंत थे वो कुंभा के सामने समस्या पैदा कर रहे थे, तो कुंभा को उनसे भी निजात पानी थी, उनको भी असफल करना था, उनसे भी बदला लेना था और मेवाड़ में शांति व्यवस्था कायम करनी थी। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी कुंभा के सामने जो समस्या आ रही थी वो क्या क्या आ रही थी, मेवाड़ के इस साइड गुजरात है वहां मुस्लिम सत्ता, इधर मालवा है मालवा में मुस्लिम सत्ता, मेवाड़ में मुस्लिम सत्ता, मालवा में मुस्लिम सत्ता, सॉरी गुजरात में मुस्लिम सत्ता, मेवाड़ में तो वो खुद था ही, मालवा में मुस्लिम सत्ता, नागौर में मुस्लिम, तीन मुस्लिम रियासतों के बीच अकेला कुंभा था, तो ये लोग भी साहब कुंभा को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी एक समस्या थी। इसके अलावा सबसे मोटी समस्या खुद रणमल राठौड़ था, जो कुंभा के लिए नित नए कोई न कोई इस प्रकार के कारनामे करना चाहता था कि ताकि कुंभा कमजोर हो जाए, मेरा वजूद, मेरा प्रभाव इस मेवाड़ में स्थापित हो। कुंभा ने सब समस्याओं का निराकरण किया है। कुंभा के सामने जो सबसे बड़ी समस्या जो थी कि जब तक रणमल राठौड़ का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि सबके कनेक्शन रणमल राठौड़ से था, अपन कह सकते हैं कुंभा के सामने जितनी भी समस्याएं थी तो उनका ट्रांसमीटर रणमल राठौड़ था। अब उस ट्रांसमीटर से सबके कनेक्शन जुड़े हुए थे, तो क्यों ना इस ट्रांसमीटर को ही फॉल्ट कर दो, इसी के फेस उड़ा दो, तो मामला सारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मालवा मुसलमानों का, नागौर मुसलमानों का, गुजरात मुसलमानों का, तो ये सीधी सी बात है, ये नहीं चाहेंगे कि कोई हिंदू शासक हमारे बीच में पनपे, क्योंकि कल को ये हिंदू शासक इन्हीं की दुर्गति करेगा। नंबर दो, मारवाड़ का कौन, रणमल राठौड़, वो ये चाहता है कि मेवाड़ में मेरा दबदबा रहे, मेरी दादागिरी चले, इसलिए इसने अपने वफादार लोगों को ऊंचे ऊंचे औहदों पर बैठा दिया, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया, तभी तो मेवाड़ के अंदर मूल मेवाड़ी और मारवाड़ी अर्थात मारवाड़ वालों के बीच में आपस में चला है। रणमल राठौड़ कुंभा की दादी का भाई है, तो कुंभा का तो दादा ही हो गया ना, तो ये नित नहीं कोई ना कोई समस्या क्रिएट करता है, इसलिए कुंभा ने सोचा कि सबसे पहले अगर इलाज करना है तो इसे रणमल राठौड़ का करो। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, रणमल राठौड़ की भी एक कमजोरी थी और उस कमजोरी का नाम है भारमली। मेवाड़ में एक नर्तकी नाचना गाना करने वाली होती है ना, जो डांस वगैरह करती है, तो पहले शराब कार इनका जो सेवन होता था तो शराब वगैरह परोसना, फिर वो महफिलें सजती थी, तो एक नर्तकी थी उसका नाम था भारमली। बारमली कहाँ की थी, मेवाड़ की, कुंभा के क्षेत्र की। आपको मैंने एक बात बताई है, वो बात आप दिमाग में फिट बैठा लो, मेवाड़ की आबो हवा में, मेवाड़ के पानी में, मेवाड़ की मिट्टी में इतनी खुशबू है कि जो इसको खाएगा वो उसी का हो जाएगा। बारमली काम चाहे गलत करती हो लेकिन उसमें भी राष्ट्र प्रेम है, उसमें भी धर्म के प्रति कृतज्ञता है, उसमें भी अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति है। तो रणमल राठौड़ का आना जाना बारमली के यहाँ था। एक दिन कुंभा भेष बदलकर, जैसा कि इतिहास में चलता है, बताया जाता है कि कुंभा भेष बदलकर बारमली के पास गया और बारमली को कहा कि इस समय मेवाड़ की
आबरू तू बचा सकती है। उसने कहा कि आज मेवाड़ का राजा खुद महाराणा कुंभा मेरे पास चलकर आया है, तो वो क्या चाहता है? तो उसने पूछा कि महाराज मैं कैसे बचा सकती हूँ? बोले तेरे पास रणबल राठौड़ आता है शाम को शराब वराब पीने के लिए, बुलाता है, तो ये विष है, ये जहर है, ये उसको कैसे भी पिला, उसका खात्मा कर। उसका खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक मेवाड़ उस स्टेज पर नहीं पहुंचेगा जिस स्टेज की अपन को आवश्यकता है। बोले ठीक है। रणमल राठौड़ आया और साहब उसने जो प्री प्लान जो पहले की कार्य योजना बनी हुई थी उसके अनुसार बारमली ने क्या किया, रणमल राठौड़ को विष दे दिया शराब में। रणमल राठौड़ की कहानी खत्म। अब रणमल राठौड़ की कहानी खत्म हो गई ना, तो मेवाड़ में जितने भी मारवाड़ के जो लोग थे उनकी कहानी खत्म। और भाई अब उनका धीरे धीरे पांव जो थे जमे हुए थे वो सारे के सारे उखड़ गए क्योंकि उनका सरदार ही चला गया। अब मेवाड़ में शांति व्यवस्था स्थापित होगी, चाचा मेरा सब खत्म। रणमल राठौड़ का बेटा है राव जोधा, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। रणमल राठौड़ का बेटा है राव जोधा, ये वही राव जोधा है जिसने 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना की थी। तो कुंभा ने साहब अपने हिसाब से अपने समाधान किया, सामंतों पर नियंत्रण कस दिया क्योंकि अब तो उनका आका नहीं रहा ना भाई। उनका आका कौन था? जो विरोधी थे उनका आका, जो उनको ताकत दे रहा था वो रणमल राठौड़ था, उसका खात्मा हो गया। तो अब साहब एक वो अपने इतिहास में कहावत है ना, जाका मरगा बादशाह बांका रोवे वजीर। तो बादशाह कौन? रणमल राठौड़। अब उसके जितने भी वजीर थे वो भी साहब सबके सब पीछे धकेले गए। कुंभा ने इन व्यवस्थाओं पर जो अव्यवस्थाएं थी उन पर काबू करके अपनी व्यवस्था स्थापित की। नेक्स्ट मीटिंग टुमारो।